दोस्तों, वास्को डिगामा के नाम से हम सब भली भांति परिचित हैं। हम सब ने अपनी पांचवी, छठी या सातवीं की क्लास की किताबों में वास्को डिगामा के बारे में पढ़ा है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने ही 20 मई 1498 को किए थे, जो कि एक पुर्तगाली था। भारत की खोज के कुछ समय बाद ही भारी संख्या में पुर्तगाली भारत की ओर रुख करने लगे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या आपने कभी सोचा है? इतिहास के पन्नों की बात करें तो पुर्तगाल भारत से भी पुराना है और वो शुरू से ही यूरोप का एक शक्तिशाली देश रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 100, 200 या 500 साल पहले यूरोप का ये शक्तिशाली देश कैसा था और उस समय इसके हालात क्या थे? बिल दोस्तों, आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि पुराने समय में पुर्तगाल कैसा था। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पुर्तगालियों के इतिहास के बारे में अगर नजर डाली जाए तो पुर्तगाल शुरुआती दौर में एक गरीब देश रहा है। हालांकि अब वहां की स्थिति में सुधार है। जब वास्को डी गामा ने सन 1498 में भारत की खोज की तो उसके करीब 14 साल बाद ही पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। शुरुआती दौर में पुर्तगाल के कुछ बड़े व्यापारी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारतीयों की मानसिकता और आपस में एक दूसरे के प्रति जलन देखकर उन्होंने धीरे धीरे भारत को तोड़कर उस पर कब्जा करना चाहा। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन लगातार व्यापार करने के उद्देश्य से आने के बाद जब उनकी असलियत का पता किसी को नहीं चला तो पुर्तगालियों ने सन 1502 से 1505 के बीच में ही गोवा को अपने अधीन कर लिया। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। अगर आप फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें, ये एक सनके किस्म का पुर्तगाली सैनिक था, जो जितना बड़ा सैनिक था उतना ही बड़ा हवस का पुजारी भी था। इसने पुर्तगाल में अपनी हवेली में करीब 250 से ज्यादा लड़कियों को अपनी रखैल बनाकर रखा था। ये इतना क्रूर और सनके किस्म का इंसान था कि इसके आगे कोई दूसरा शख्स अपनी आवाज बुलंद नहीं करता था। शायद इसी वजह से इसे भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। बता दें, इसके राज में गोवा में ड्रग्स माफिया, जिस्मों का कारोबार और स्पा सेंटर, ये सब आम बात थे। कहते हैं कि पुर्तगाली अपने शासन में यहाँ की खूबसूरत लड़कियों को पकड़कर उनकी नसबंदी करवा दिया करते थे, ताकि शासकों द्वारा संबंध बनाने के बाद ये लड़कियाँ माना बन सके। दोस्तों, ये हाल करीब 450 सालों तक चला और पुर्तगालियों ने गोवा पर करीब 451 सालों तक राज किया। गोवा भले ही भारत का हिस्सा रहा हो, लेकिन जब तक वो पुर्तगाल के अधीन रहा तब तक तो उसे पुर्तगाल का ही हिस्सा कहा जाएगा। कई बार बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए ताकि गोवा को पुर्तगाल से आजाद करा लिया जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों ने ज्यादा समय बिता लिया था और वहां पर उन्हें हराना नामुमकिन सा था। लेकिन सन 1961 में भारतीय सेना ने अपना जौहर दिखाते हुए गोवा को पुर्तगाल से आजाद करा लिया। दोस्तों, बता दें, पुर्तगाल में स्त्रियों की स्थिति शुरू से ही दयनीय रही है। पुर्तगाल की स्थापना 1128 में हुई थी, तब कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहा था, लेकिन कुछ समय बाद से वहाँ के जो उद्योगपति थे वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में देने लगे थे। बता दें, ये इतने ज्यादा अमीर थे कि ये प्रशासन के हिसाब से नहीं बल्कि पुर्तगाल का प्रशासन इनके हिसाब से चलता था। ये अपना मन बहलाने के लिए किसी भी गरीब लड़की को उसके घर पर खरीदने के लिए चले जाते थे। बहुत सारे गरीब लोग तो उस समय अपनी लड़कियों को बेच देते थे, लेकिन कुछ लोग जो अपनी बच्ची को बेचने से मना कर देते थे, उनके घर से जबरदस्ती लड़कियों को उठवा लिया जाता था और फिर उसके साथ ही अपनी हवस बुझाते थे। जब घर वाले शिकायत के लिए कानूनी रूप से कुछ फैसले लेने की कोशिश करते थे तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। और उस समय न तो फेसबुक था और न ही ट्विटर, जिनके जरिए इंसाफ की गुहार लगाई जा सके। ऐसा करीब 12वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लड़कियों को घर से उठाया गया और दोबारा उनका पता तक नहीं चला कि आखिर वो गई कहाँ। पुर्तगाल में शुरू से ही ऐसा होता था, लेकिन ये बात सबके सामने तब आई जब एक 16 साल की लड़की को कुछ बड़े ईसाई व्यापारियों द्वारा उठाया गया और उसकी लाश करीब 20 दिन बाद सड़ी हुई हालत में मिले। दोस्तों, ऐसे हादसे वहाँ होते ही रहते थे। बाद में जब पुर्तगाल में राजनीतिक पार्टियों की शुरुआत हुई तब वहाँ के माहौल में कुछ बदलाव आया। अब इन जुर्मों में थोड़ा सा लगाम लगाया गया क्योंकि नई नई बनी पार्टी को जनता के दिल में अपनी जगह बनानी थी और ये भरोसा दिलाना था कि जनता के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। कुछ समय के लिए वहाँ पर जनता के लिए अच्छा माहौल भी आया जब लोग खुल के जीने लगे। लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे ही राजनीतिक दलों को पार और पोजीशन मिले, उन्होंने अपने इस पार का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात 1500 के आसपास की है। उस समय तक मुगलों का उदय भी हो चुका था, उन्होंने भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया था। लेकिन पुर्तगालियों के चारों तरफ समुद्र था, इसलिए उन्हें समुद्र में भी जीतने की कला आती थी। मुगल शुरुआती दौर से ही समुद्री लड़कियों से दूर रहे हैं। उन्हें समुद्री लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही उन्होंने कभी इसमें भाग लिया। ये वो समय था जब हर देश और हर कौम भारत को हथियाना चाहते थे, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय भारत में ताकत, पैसा और बेशुमार खूबसूरती सब कुछ था। 1526 में जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली
उस समय तक पुर्तगाल तमाम तटीय इलाकों पर कदम जमा चुका था। हालांकि मुगल मध्य एशिया के सूखे इलाकों से आए थे और उन्होंने समुद्र का मुंह तक नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने समुद्री मामलों को कोई अहमियत नहीं दी। पुर्तगालियों ने मुगलों से राजनयिक रिश्ते स्थापित कर लिए और अकबर, जहांगीर और शाहजहां को तरह तरह के तोहफे भेजते रहे। पुर्तगालियों और मुगलों ने भारत के कई हिस्सों पर राज भी किया और एक दूसरे को अपने देश की लड़कियों को देकर अपने रिश्ते स्थापित किए। जब कोई मुगल बादशाह पुर्तगालियों से खफा या नाराज होता तो पुर्तगाली उसे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लड़की उपहार में देते, जिससे उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाती। मुगलों की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी, लेकिन मुगल नहीं जानते थे कि जिस तरह मछली का शिकार करने से पहले उसे मांस का टुकड़ा डाला जाता है, कुछ ऐसे ही पुर्तगाली भी उनके साथ कर रहे थे। ऐसा करके पुर्तगालियों ने मुगलों से अपना हर एक काम निकलवाया। अब दोस्तों अपने वीडियो के मेन कंटेंट पे लौटते हैं। बताते हैं शुरुआती दौर में पुर्तगाल में महिलाओं के साथ अन्याय होता रहा है, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत होते होते यहाँ का रवैया महिलाओं के प्रति बिल्कुल बदल गया था। इन सबके अलावा मारपीट और तरह तरह के जुर्मों पे भी काफी लगाम लगे थे। उसके बाद से पुर्तगाल में लगातार सुधार देखा गया था, चाहे फिर तो वो देश की जीडीपी को लेकर हो या फिर क्राइम को लेकर। बता दें पुर्तगाल का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, जिसके कई दीवाने भारतीय भी हैं और वो पुर्तगाल को बेइंतहा सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों पुर्तगाल में शुरू से ही कई धर्मों के लोग रहते रहे हैं। कैथलिकों की संख्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। पुर्तगाल में ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 80% है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और बाकी अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है। पुर्तगाल में हिंदू धर्म 0.22%, बौद्ध धर्म 0.19%, इस्लाम धर्म 0.42% व अन्य धर्मों की संख्या 0.28% है। लेकिन जब बात आती है पुर्तगाल के सबसे पुराने धर्म के, तो वहाँ हिंदू धर्म का नाम ही सबसे ऊपर होता है। कुछ पुराने पुर्तगाली दार्शनिकों के अनुसार हिंदू धर्म एक धर्म ही नहीं बल्कि हमारी जीवन पद्धति है, जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल और मॉरिशस में सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले की है। और वैसे भी दोस्तों कभी भी पुर्तगाल में किसी भी गैर धर्म के व्यक्ति पर इस बात का जोर नहीं दिया गया कि वो अपना धर्म बदलकर कैथलिक हो जाए, और नहीं कभी धर्म के लिए यहाँ पर मारकाट हुई। दोस्तों बता दें कई कहानियों और आर्टिकल्स में पुर्तगालियों की तुलना मुगलों से की गई है, पर आपको बता दें कि मुगलों का हाल ये रहा था कि उन्होंने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कहने का मतलब ये है कि उन्हें जहाँ से पनाह मिले, जहाँ उन्हें सब मिला, अपनापन मिला, प्यार मिला, मुगलों ने उन्हीं के साथ गद्दारी की। खैर अब इनके बारे में क्या ही कहें, इस कौम की ये पुरानी आदत रही है, उन्होंने हमेशा से ही पीठ पर छुरा घोंपा है। लेकिन पुर्तगाली ऐसे नहीं रहे हैं, भारत के संबंध पुर्तगाल से काफी अच्छे हैं। नए जमाने के पुर्तगाल को अगर पुराने समय के पुर्तगाल से कंपेयर किया जाए तो आज के समय में पुर्तगाल में महिलाओं की जो स्थिति है वो काबिले तारीफ है। पुर्तगाल में आज के समय के एजुकेशन रेशियो के हिसाब से शिक्षा के मामले में वहाँ की स्त्रियाँ पुरुषों को भी पीछे छोड़ चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन के मामले में भी पुर्तगाल अपने कई पड़ोसी देशों को काफी पीछे छोड़ चुका है। हालांकि पुर्तगाल में घरेलू हिंसा गैर कानूनी है, लेकिन पुर्तगाल की कुछ जगहों पर अभी भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। हालांकि वहां की सरकार और कई बड़े बड़े एनजीओज इस चीज पर काम कर रहे हैं और आने वाले कुछ सालों में ये दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, ऐसा उन्होंने सभी पुर्तगालियों को भरोसा दिलाया है। दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पुर्तगाल को पसंद करते होंगे, आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस देश और यहाँ के बारे में क्या सोचना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।